इस वीडियो में आपको झारखंड टीचर वैकेंसीज के बारे में बताया जाएगा। और उसमें क्या था कि 2016 में जो लोग टेट पास थे, बस वही कैंडिडेट अभी जो हमारे झारखंड में वैकेंसीज आई थी टीचर्स को लेकर 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर, तो वो सिर्फ उन्हीं लोग भर सकते थे और जो पारा टीचर है उन लोग के लिए आया था। लेकिन हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चीज सुनने को मिल रहा था कि जो लोग सीटेट पास हैं या अदर स्टेट के हैं, हमारे पड़ोसी स्टेट के हैं, नेवर के, उन लोग अगर टेट पास हैं तो वो भी इसमें वैकेंसीज में फिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कैंडिडेट कंफ्यूजन में थे कि कब कर सकते हैं, क्या होगा, एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो गया था, है ना, 12 जनवरी को एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो गया था, तो फिर अभी फैसला आया है तो कब एग्जाम होगा, फिर कब से हम लोग फिल करेंगे फॉर्म, क्या दोबारा एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में आपको इससे रिगार्डिंग सारा चीज बताया जाएगा, प्लस में आपको यहाँ पे वैकेंसीज को लेकर भी आपको कुछ बताया जाएगा, कितना वैकेंसीज थे, फॉर्म फिलअप कब तक होगा, है ना, एग्जाम कब होगा हमारा, अब नेक्स्ट एग्जाम होगा, और ये जो एग्जाम होने वाला था इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन करने का रीजन यही है कि सीटेट कैंडिडेट और अदर स्टेट के जो टेट पास हैं उनको भी इसमें अप्लाई करने का मौका दिया गया है, इसीलिए इसको पोस्टपोन किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे आगे देखते हैं और पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का न्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस में ये चीज है कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, जब पोर्टल खुलेगा तो भी आपको उसमें भी हेल्प मिलेगा। और झारखंड के वैकेंसीज को लेकर आपके मन में अगर कुछ थॉट है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज है ना बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक बार आया फिर प्लस में उसमें क्या करता है, बहुत सारा कुछ केस हो गया, ये हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसके कारण पोस्टपोन फिर से, तो आप एक बार उसके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए टोटल वैकेंसीज जो थे ना हमारे 26,001 था टोटल, ये हमारा वैकेंसीज था जो कि टीचर्स का था। लेकिन इसमें हमारे लिए स्पेशली नहीं था, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैसे 1 to 5 जो पीआरटी है उनको इतना जो वैकेंसीज था वो सिर्फ पारा टीचर के लिए रिजर्व था, है ना, इतना ही वैकेंसीज पे हम लोग को फाइट करना है, ठीक है, जो फ्रेश कैंडिडेट है जो टेट पास थे, ठीक है, तो इतना भी तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी के डेट में जो सीटेट वाले आ रहे हैं, जो अदर स्टेट के टेट जो कैंडिडेट पास हैं, तो उसके रिगार्डिंग में अगर हम लोग का जो कंपटीशन है, कंपटीशन जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और टीजीटी में आप देख रहे हो 6 to 8 जो हमारा एलिमेंट्री होता है, इसमें देखो तीन मैंने लिख कर रखा है अलग अलग वैकेंसीज। बेसिकली ये जो आपका है पारा टीचर्स के लिए, इसमें इतना वैकेंसीज लैंग्वेज के लिए है, इतना वैकेंसीज एसएसटी के लिए है, और इतना वैकेंसीज आपका साइंस और मैथ के लिए है, इधर भी वही सेम है नॉन पारा के लिए। तो इतना वैकेंसीज फ्रेश कैंडिडेट दैट मींस की जो टेट पास है उनके लिए ये आपका रिजर्व है, जो इस पे हम लोग तो नहीं जा सकते हैं। तो खैर ये भी एक तरह से देखा जाए तो ऐसा सब पूरा रखना चाहिए था, भला ही वो पारा टीचर है या कुछ है उससे क्या मतलब है, हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं, उन लोग ऑलरेडी जॉब में है तो उन लोग को तो दे ही रही है सरकार, लेकिन प्लस में हम लोग को सहारा में देना चाहिए था ताकि हम लोग का थोड़ा सा कंपटीशन लेवल कम हो। तो अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि इसका फॉर्म का फिलअप का डेट कब तक आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको 1 वीक में फॉर्म फिलअप करने का डेट आ सकता है, आएगा ही 1 वीक के अंदर, आप रेडी हो जाइए। जो भी आपके पास सीटेट पास है सारा सर्टिफिकेट को उसमें अपलोड करना है ना, और एग्जाम डेट है कि फेब्रवरी में आपका देखने को मिल जाएगा, 1 महीना टाइम है आपके पास। जैसे कि यहाँ पे देखिए 12 जनवरी जो था हमारा ये पहले का एग्जाम डेट था, और 10 फरवरी जो होने वाला है ये अभी ऐसे फिक्स नहीं किया गया, टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकता है, तो आप तैयारी में आज से ही लग जाए, क्योंकि झारखंड का है और इसमें कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन आप अगर पास्ट है तो सियोर आपका जॉब होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा जॉब। और इसमें देख लीजिए ये आपका वैकेंसीज था, टोटल इतना वैकेंसीज थे, एग्जाम आपको बता दिया गया, फॉर्म फिल अपडेट 1 वीक के अंदर आपको खुल जाएगा पोर्टल, उसमें आप फिल कर लीजिएगा, उससे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो कैंडिडेट जो सीटेड अपियरिंग है क्या उन लोग फिल कर सकते हैं, तो नहीं अभी तो उसका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं आया है, जब तक फॉर्म फिल अपडेट ओपन, जब पोर्टल ओपन होगा तो उसमें आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अपियरिंग वाले को मौका दिया जाएगा। जो ऑलरेडी पास्ट कैंडिडेट है सीटेड वो लोग फिल कर सकता है, जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उन लोग क्या ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, अदर स्टेट वाले को आपको यहाँ पे जनरल में फाइट करना होगा, और जनरल में ही, और जो यहाँ का है जिनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ का है तो वो लोग सिर्फ ओबीसी या आपके जैसे जो भी आप कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तैयारी में लग जाइए और किसी भी तरह कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज है बेसिकली जे आपको जेसीसी कंडक्ट करवा रही है, जिसका नेम ये था JTPTCCE, इसका कहने का मतलब ये चीज, इसका इसका नेम ये है
कि झारखंड ट्रेन प्राइमरी टीचर कम्पिटिटिव कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम को जिस तरीका से नेम दिया गया था और ये जेएसएससी कंडक्ट करवा रही थी, तो इसमें थोड़ा सा जो सिलेबस जो पहले जो टेट हो रहा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है ना। तो आप देख लीजिएगा, सिलेबस आपको सब दिया हुआ होगा, आप सिलेबस निकाल के देखें उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है और सीटेट अपियरिंग वालों के लिए अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो जैसे ही पोर्टल खुलता है तो मैं एक और वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए किसी तरह का कोई जानकारी झारखंड से रिलेटेड टीचर्स को वैकेंसीज को लेकर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीबॉडी।